आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। आज 22 मई हो गई है और 3 दिन बचे हैं। दिल्ली में इलेक्शन होने वाला है और गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन सारे इलाकों में, दिल्ली NCR में इलेक्शन की डेट है। और जो कोस्टल एरियाज हैं उड़ीसा के, वहां पर भी 25 मई को इलेक्शन हो सकता है, मतलब हो सकता है क्या है। तो बात करते हैं कि अब जो गर्मी पड़ रही है उसका क्या होना है। तो पिछले 24 घंटों हमने देखा कि हवाएं बदली थी, पूर्वी दिशा से हवाएं चली थी, जो 44 डिग्री से ऊपर दिल्ली का तापमान था वो 42.4 डिग्री कल पहुंच गया, यानी कि 2 डिग्री के आसपास की कमी देखने को मिली। उसका कारण यह था कि जो पूर्वी हवाएं हैं उससे उमस बढ़ा दी, यानी कि फील्ड लाइक टेम्परेचर तो बढ़ गया लेकिन असली जो एक्चुअल टेम्परेचर वो थोड़ा सा कम हो गया। उसका कारण यह था कि ये जो ट्रफ बनी हुई है, ये आप देखिए कि जो उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड से लेकर के जा रही है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं ये जो हवाएं हैं इस तरह से घूम करके ये अब पूर्वी हवाएं आ रही हैं। तो ये पूरे जो हवाएं थी वो दिल्ली NCR के ऊपर और हरियाणा, ये जो उत्तर प्रदेश, इन सारे इलाकों में ये पूर्वी हवाएं, यहाँ से ये पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवाएं हैं, जिसके कारण उमस बढ़ी है, डिस्कम्फर्ट बढ़ा है। और ये कल हमने देखा था कि गुरुग्राम और उसके आसपास के इलाकों में उमस बढ़ने से, गर्मी बढ़ने से गरजने वाले बादल बने, और उसी के आसपास जो हरियाणा के कुछ इलाके, राजस्थान के कुछ इलाके हैं, हरियाणा के कुछ इलाके, यहाँ पर भी गरजने वाले बादल बने और हल्की फुल्की आंधी की घटनाएं वहां पर देखने को मिली। तो अब जो 25 तारीख को जो इलेक्शन है उस समय, अब कल से यार आज या कल से फिर से पश्चिमी हवाएं हो जाएंगी और टेम्परेचर बढ़ने लग जाएंगे। जब टेम्परेचर बढ़ेंगे तो लू की कंडीशन आ जाएगी, हीट वेव आ जाएगी, और 25 तारीख को ऐसा लग रहा है कि दिल्ली NCR में जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री का आंकड़ा इस सीजन में पहली बार पार कर सकते हैं, यानी भीषण गर्मी का प्रकोप दिखाई देगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने इंतजाम कर रखे हैं, पानी की व्यवस्था है और छायादार कूलर वगैरह भी कुछ इलाकों में लगाए रखे हैं, छाया है जहां पर लोग बैठ सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं अपनी बारी आने का। तो इलेक्शन के लिए काफी इंतजाम है, लेकिन फिर भी आप किसी पर डिपेंड नहीं रहे, अपना खुद का भी इंतजाम करके जाएं, ले जाएं, छाता लेकर के जाएं धूप से बचने के लिए, पानी साथ में रखें, जैसे कि अगर आपको प्यास लगे, गर्मी लगे, तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी या सिकंजी, इस तरह से कुछ ना कुछ लिक्विड आप लेकर के जाएं, जरूर जाएं। तो इस इलाके में अभी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहने वाला है। पहाड़ों पर कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, हल्के फुल्के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं जो बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं दे पाएंगे। गिलगिट वाले बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन इलाकों में बहुत हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन इलाकों में भी इसी तरह का कुछ इलाकों में खंड वर्षा या तेज हवाएं चल सकती हैं। बहुत ज्यादा बड़ी वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो ये बात हुई। अब हम अगर देखें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश, ये पूरा इलाका भीषण लू की चपेट में रहेगा। और जो राजस्थान के कुछ इलाके 47-48 डिग्री तक तापमान देख पाएंगे, यानी बहुत ज्यादा गर्म मौसम रहने वाला है, क्योंकि हवाएं एक बार फिर से ये उत्तर पश्चिम दिशा से सिंध, बलूचिस्तान, थार रेगिस्तान से होकर के पहुंचेंगी और यहाँ की गर्मी बहुत ज्यादा हो जाएगी। उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड में भी अब बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है, वेदर एक्टिविटी कोई खास दिखाई नहीं दे रही है। पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भी मौसमी गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। लेकिन अब पूर्वी भारत के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत की बात करेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं हम कि ये जो लो प्रेशर एरिया बना है बंगाल की खाड़ी में, पहले साइक्लोनिक सर्कुलेशन था जो तमिलनाडु के तट और दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में था, काफी बड़े एरिया में था। तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन इंटेंसिफाई कर लो प्रेशर एरिया बन गया। अब गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र, यानी वेलमार्क लो प्रेशर एरिया, उसके बाद ये डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, और हो सकता है कि एक कमजोर समुद्री तूफान में भी तब्दील हो जाए। तो अभी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जो जो सेंट्रल और साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल है वहां पर काफी ज्यादा होंगी। हवाएं तेज रहेंगी, समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी। उसके बाद अगले 24 घंटों के दौरान जो मध्य और जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर हवाएं तेज हो जाएंगी, बारिश तेज हो जाएगी। और ये इसका जो ट्रैक है, यूजुअली क्या होता है कि जैसे आपको मालूम है कि जो भी यहाँ पर अगर जैसे कोई लो प्रेशर एरिया बनता है सेंट्रल बे, ये काफी एक तरह से साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में बना है जो अनयूजुअल है, यूजुअली यहाँ पर नहीं बनते इस सीजन में। ये लो प्रेशर एरिया इस जगह यानी कि साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल या ईस्ट बे ऑफ बंगाल, इस जगह पर बनते हैं। और ये इनिशियली उत्तर पश्चिम दिशा में भारत के तट की तरफ जाते हैं और कभी कभी ये पास में जाकर के रिकर्व हो जाते हैं उत्तर पूर्वी दिशा में। तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ये सारे इलाके इनके ट्रैक में आते हैं। कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी ये म्यांमार की तरफ जाते हैं। तो ये जो वेदर सिस्टम है ये पश्चिम में जाकर के सीधा ही ये उत्तर पूर्व की तरफ ये ट्रैक कर रहा है।
तो म्यांमार की तरफ जाएगा ये, अभी तक जो इंडिकेशन है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस भी आ सकते हैं, इस पर हम नजर रखे रहेंगे। म्यांमार में ज्यादा चांसेज हैं, बांग्लादेश और ये मिजोरम और त्रिपुरा की तरफ भी जा सकता है, और ये बहुत कम चांस है इसका जो पश्चिम बंगाल की तरफ जाए। लेकिन म्यांमार की तरफ भी अगर ये जाता है तो 24-25 तारीख को म्यांमार और जो दक्षिणी जो ये मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, बांग्लादेश के कुछ इलाके और पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा के तटीय इलाकों में बारिश की गतिविधियां 24-25 तारीख से शुरू होंगे और 26-27 तारीख तक रह सकती है। तो कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना है, तेज हवाएं भी चल सकती है, लेकिन पैनिक होने वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं, कोई भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और उसके बाद ये जो मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, बांग्लादेश इस इलाके में बारिश बढ़ाएगा, और 26-27-28 तारीख को हो सकता है कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वी बिहार, झारखंड और जो गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी तेज हो जाए, यानी कि मंथ एंड में पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। तो ये बात हो गई। अब हम छत्तीसगढ़ की तरफ चलते हैं, तो छत्तीसगढ़ का मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके और गुजरात के ज्यादातर इलाके गर्म और शुष्क रहेंगे, कोई भी वेदर एक्टिविटी यहां पर दिखाई नहीं दे रही। ये जो ट्रफ आ रही है इसके कारण तेलंगाना में कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, और जो दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोकण एंड गोवा है यहाँ पर भी अगले दो दिनों के दौरान हल्की बौछारें आपको सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा इन इलाकों में दिखाई दे सकती है। कर्नाटक के कई इलाकों में भारी बारिश होगी, कोस्टल कर्नाटक और तमिलनाडु, ये केरल के जो इलाके हैं, अब भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड हो सकता है, लोकल फ्लडिंग भी हो सकती है। दक्षिणी तमिलनाडु में भी तेज बारिश की संभावना है, बाकी तमिलनाडु में छुटपुट बारिश होगी। लक्षद्वीप में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां अगले दो दिनों तक चलेंगी, और अंडमान और निकोबार द्वीपों में लगातार बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और मूसलाधार बारिश इस इलाके में दिखाई दे सकती है। इसका जो आगे जो भी अपडेट होगा साइक्लोन का या डिप्रेशन का, उसको भी अपडेट मैं लगातार देता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।